दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का डिटेल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखने वाले हैं। देखिए पहले मैं आपको ये बता देता हूं दोस्तों, बिहार से कौन स्टूडेंट डीएलएड कोर्स कर सकता है। तो देखो गाइस, अगर आप जनरल ओबीसी ईबीसी कैटेगरी से हो तो आपके क्लास ट्वेल्थ में 50% होने चाहिए, ठीक ना। आपका इंटर कंप्लीट होना चाहिए, एज लिमिट भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक ना। और अगर आप दोस्तों एससी एसटी पीएच कैटेगरी से हो और अगर आपके क्लास ट्वेल्थ में 50% से कम है, 45% तक है, तो आप बिहार डीलेट का फॉर्म भर सकते हो। ईबीसी ओबीसी जनरल का 50% होना चाहिए। ओके गाइज, अब अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट की, 1 जनवरी 2025 तक 17 साल से कम आपका एज नहीं होना चाहिए। और अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करें, आपको कितना नंबर लाना होगा बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए आपके एग्जाम में दोस्तों टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। और आपको लगभग 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 120 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक ना। कोई भी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम दोस्तों पासिंग नंबर की बात करें तो अगर आप जनरल से हो तो आपका 35% होना चाहिए, मतलब 120 का अगर 35 निकाले तो यहाँ पर देखिएगा कितना हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 सते 35, ठीक ना, 2 छिक 12, 6 से 42, 42 नंबर आपको लाना होगा जनरल से हो इस एग्जाम में को पास करने के लिए। और अगर आप दोस्तों रिजर्व कैटेगरी से हो, एस सी एस टी पी एच कैटेगरी से, तो ऐसे में आपको इसमें पास होने के लिए जो है 12 या 36, मतलब कि 36 नंबर लाना होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैं पहले फॉर्म बता देता हूं। तो बिहार डीलेट का फॉर्म दोस्तों अगर हम 2024 की बात करें तो 2024 में जो है ये जनवरी फरवरी में आ गया था, ठीक है। तो आप यही लगा लीजिए कि 2025 में तो गाइस बिहार में विधानसभा का चुनाव है, तो ऐसे में जल्दी ही फॉर्म आने के चांस है, ठीक ना। तो ये लगा लीजिए कि जनवरी या फरवरी तक फॉर्म आ जाएगा और वही आपका जो है अप्रैल मई में जो है एग्जाम हो जाएंगे। देखिएगा हिंदी में, देखिए सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैट्रिक लेवल के होंगे। तो अगर आप दोस्तों यूनिक पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाली बुक ले लेते हो और उसी के सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो आपका एंट्रेंस एग्जाम मतलब अच्छे नंबर आप ला सकते हो। या दूसरा तरीका है दोस्तों, आप बुक लो और साथ ही साथ आप इन सभी टॉपिक को, अगर आपके पास गाइड है यूट्यूब से बुक में सर्च करके, इन सभी टॉपिक को पहले डिटेल में पढ़ लो, पहले इसको अच्छे से पढ़ लो थ्योरी इसका, उसके बाद इसके प्रैक्टिस सेट करो और क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर के सॉल्व करो। क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो है ना 50% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, मतलब प्रीवियस ईयर के रिपीट होते हैं हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के, रीजनिंग के। ओके गाइस, तो यूनिक पब्लिकेशन की जो बुक है ना गाइस, ये आपका अक्टूबर नवंबर तक आएगा, तो अभी आप मत लीजिएगा, आप अगस्त तक भी आ सकता है। मतलब आपको 2025 का यूनिक पब्लिकेशन का बुक लेना है। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें 2024 के एक महीने तक जो पेपर हुए हैं दोनों शिफ्ट में, उसके सारे क्वेश्चंस पेपर आपको सॉल्व मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको 2023 का भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, उसके सारे क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। ओके गाइस, और आपको इन सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लेना है। इंग्लिश का कंप्लीट तैयारी मैंने करवा रखा है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। आप बिहार डीलेट के प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। आप अभी से अगर तैयारी करोगे ना, देखो एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो दोस्तों, तो कम से कम आपको जो है 120 में से 90 स्कोर करना होगा। अब 90 तभी आएगा जब आप पिछले 6 महीने से अच्छे से तैयारी करोगे। तो लास्ट के 1-2 महीने पढ़ के आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, तब आप ला सकते हो, क्योंकि आप पहले से पढ़ रहे हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। साइंस में आपको पता है दोस्तों इन सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आएंगे, तो इन सभी टॉपिक को आप बुक पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उनको पहले समझ लीजिए टॉपिक को, उसके बाद इसके एमसीक्यू सर्च कीजिए, हर जगह आपको मिल जाएगा, बुक में मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, फिर उसके बाद इसके प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के बुक खरीदते हो ना, तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको पता लग पाएगा कि पिछले साल कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, लेवल पता चलेगा, ठीक ना, टॉपिक का पता चलेगा कि यहाँ से आ रहा है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से पढ़ पाओगे, तैयारी कर पाओगे, ठीक ना। क्योंकि ऐसे पढ़ोगे कहां से कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझ में ही नहीं आएगा, तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। अब हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से ग्रामर्स आ रहे हैं, रस अलंकार, छंद, मुहावरे, पदबंध, इन सभी टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछले साल, तो उन सभी टॉपिक को कर लोगे, उसके बाद इसको प्रैक्टिस कर लोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लोगे, तो यूनिक पब्लिकेशन की आप बुक ले लीजिएगा, ठीक ना, सबसे बेस्ट बुक है। लगभग आपका जो है 200 तक का आ जाएगा ये बुक, और काफ़ी पेजेस की होंगी, लगभग 300 से 350 या 400 पेजेस की, इनको आप कर लीजिएगा। ओके गाइस, इन सभी टॉपिक्स आएंगे।
क्वेश्चंस आपके। और देखिए, जब आप ऐसे स्टूडेंट जो उर्दू से हैं, तो उर्दू का जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि क्या आपका क्लास ट्वेल्थ में उर्दू था, तब आप सिलेक्ट करना। और उर्दू में कम कंपटीशन है दोस्तों, तो उर्दू का बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि उर्दू में कम कंपटीशन की वजह से सिलेक्शन जल्दी होगा आपके टीचर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा आती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब रीजनिंग के ओनली 10 क्वेश्चन आते हैं, पहले दोस्तों 20 आता था। तो रीजनिंग का आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आपके पास टाइम है तो आप अभी से जो है ना, अभी से आप क्या कीजिएगा, एक एक टॉपिक को आप गूगल पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और पहले आप इसको डिटेल में समझिए, इसके नोट्स बनाइए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कीजिए। बस आपका तैयारी हो गया, 10 क्वेश्चन आएंगे मोस्टली, 10 टॉपिक जो मैं बता देता हूँ आपको, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, उसके बाद दोस्तों लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट सीरीज से, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर से आता है क्वेश्चन आपका, सिलोजिस में स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट से क्वेश्चन आता है, यही 10 टॉपिक है। अल्फाबेट सीरीज से मैथमेटिकल ऑपरेशन